बिला किसी तमहीद इस शेर के साथ डॉक्टर सुनील देशमुख साहब को वह माइक पर के दिया जला के सभी बाम उदर में रखते हैं दिया जला के सभी बाम उदर में रखते हैं और एक हम हैं उसे रह गुजर में रखते हैं समंदरों को भी मालूम है हमारा मिजाज कि हम तो पहला कदम ही भवर में रखते हैं डॉक्टर सुनील देशमुख साहब सफल ग्रुप ने आयोजित किया धनक एक सुहानी हसीन शाम इसमें उपस्थित हमारे मित्र श्री नानक भाई आहूजा जी अमरावती महानगर पालिका के माजी महापौर मिलिन जी चिमोटे हमारे बहुत पुराने स्नेही दीप बाबू बग्गा कांग्रेस के महाराष्ट्र के सरचिटनिस भैया जी पवार सुबेदार साहब जयराम जी आहूजा जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजित किया वो अनिक मास्टर जी और उनके सारे साथी ये बहुत ज़्यादा लंबा भाषण करने का वक्त नहीं है मैं जानता हूँ आप सब लोग इतने अच्छे शायर बहुत दूर दूर से आए हैं उनको सुनने के लिए आए हुए हैं पर अब आप सब समझते हैं कि ये दीवाने खास है और इसीलिए कुछ गिने चुने चुनंदा लोगों को यहाँ बुलाया गया है ताकि इस महफिल की शान भी बढ़े और मज़ा भी आए आप सब जानते हैं कि अमरावती एक सांस्कृतिक विरासत हिफाजत रखने के लिए हरदम प्रयास करता है मुझे याद है कि कुछ दिन पहले यहीं पे इसी सभागृह में मराठी गज़ल का कार्यक्रम भी नानक भाई और सफल ग्रुप ने आयोजित किया था और बहुत ही सुंदर ऐसी मराठी गज़ल के जो शायर थे पूरे महाराष्ट्र से आए थे और उसको सुनने के लिए सिर्फ अमरावती शहर से ही नहीं पूरे विदर्भ से लोग यहाँ आए थे ये जो ऐसे कार्यक्रम होते हैं इससे सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं का और लोगों में आपसी भाईचारा और राष्ट्रीय एकात्मता में बढ़ावा होता है जो माहौल आजकल चल रहा है इसमें ऐसे कार्यक्रम करना ये समय की एक उसको बोलते हैं कि बहुत ही जरूरी है और सफल ग्रुप मैं आपको सही मायने में शुक्रिया अदा अदा करता हूँ धन्यवाद देता हूँ कि आप ऐसे कार्यक्रम लगातार अमरावती शहर में करते हैं और नानक भाई इसका तो सब अमरावती के लोगों ने सही मायने में उनका शुक्रगुजार रहना चाहिए कि ये सारे चीज़ें वो स्पॉन्सर करते हैं ये इतना बढ़िया हॉल ये सारा त, ये तैयारियाँ ये सब सारे वो खुद होके करते हैं आज अमरावती के लिए बड़ी सम्मान की बात है कि विश्वविख्यात शायर मंजर भोपाली साहब शबाना शबीना जी अदीम नईम अख्तर साहब हमारे अब्रार काशी साहब जो हमारे अमरावती के हैं और मुझे अभी नानक भाई बता रहे थे कि मंजर भोपाली साहब यह भी अमरावती के अचलपुर में उनकी ननियाल है यह मुझे मालूम ही नहीं था यह भी उन्होंने बताया आ, हमारे अमरावती के भी डॉक्टर खलीद नैर को सुनने का मौका आज आप लोगों को मिल रहा है मैं नईम अख्तर का एक शेर कहकर विराम देता हूँ अंधेरे को यही खल रहा है कि दिया मेरा हवा में भी जल रहा है अभी मैं वहाँ बैठा था तो मिलिंद भाऊ ने एक बहुत ही बढ़िया शेयर मुझे सुनाया ये जो माहौल चल रहा है आप देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में जो माहौल चल रहा है कि लोग कहीं से कहीं जा रहे हैं एक दिन में ये पार्टी में रहते हैं दूसरे दिन में चले जाते हैं उन्होंने बहुत अच्छा शेर मुझे भेजा जो उड़ गए परिंदे उनका क्या अफसोस करे जो उड़ गए परिंदे उनका क्या अफसार अफसोस करे यहाँ तो पाले हुए भी गैरों के छत पे उतरते हैं <laughs> तो बहुत बहुत शुक्रिया आ, हमारे मित्र अबरार काशी साहब यहाँ आए हुए हैं हमें बड़ी खुशी है कि विश्वविख्यात शायर हमारे अमरावती से है आ, सब शायर लोग यहाँ आए हुए हैं मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और आप सब लोग इस शाम का मजा लुप्त उठाए ऐसे प्रार्थना करके अपने शब्दों को विराम देता हूँ